हेलो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिजाइन ऑफ बोल्टेड जॉइंट। ठीक है, तो बोल्टेड जॉइंट में मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ थ्रेड्स के बारे में बताया। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बता दिया, थ्रेड्स हो गए आपका स्क्रूज, स्टड्स और आपका जो बोल्ट है इनके बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और जो बोल्ट की जो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, इन सब के तीन चार लेक्चर मैंने ले रखे हैं, ले लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो मेरा लास्ट में जिसमें बोल्ट में मेरा लास्ट टॉपिक रहेगा वो डिजाइन ऑफ बोल्टेड जॉइंट का रहेगा। ठीक है, तो नाम से ही लग रहा है, मतलब नाम से क्या लग, डिजाइन करना है हमको बोल्टेड जॉइंट का, कि मतलब कि जब दो स्ट्रक्चर, दो आपके प्रोडक्ट, दो आपके पार्ट को अगर आप जॉइंट करेंगे बोल्ट के थ्रू। ठीक है, और बोल्ट के थ्रू आपको जॉइंट करना है, तो आपको उसमें होने वाले जो किस ऑपरेशन में हम उसको यूज़ कर रहे हैं बोल्ट को। ठीक है, ऑपरेशन में यूज़ करने का मतलब कि अगर हम इसमें स्टैटिक लोड टाइप के फॉर्मेशन में यूज़ कर रहे हैं, डायनामिक लोड टाइप के फॉर्मेशन में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी बात करेंगे स्टैटिक लोड टाइप के फॉर्मेशन में। ठीक है, कि जो हमारा बोल्टेड जॉइंट है तो वो ऐसे स्ट्रक्चर में लगा हुआ है जहाँ पर जो लोड है स्टैटिक लगा हुआ है। ठीक है, तो ये एक मान लो मेरा कोई भी स्ट्रक्चर है और ये मेरा वॉल है जो मैंने इसको इस वॉल से अटैच करा है। अब अटैच करने के लिए मैंने बोल्टेड जॉइंट का सहारा लिया है, मतलब दो बोल्ट मैंने ऊपर लगाए हैं, दो बोल्ट मैंने नीचे लगाए हैं। दिख आपको, क्योंकि साइड से देख रहे हैं तो एक एक दिख रहा होगा, पर ऐसे लगाए हैं कि जो इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इनकी चारों की जो डिस्टेंस है वो सेम है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से चारों की डिस्टेंस सेम है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ही, अब आपको पता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे उस चारों बोल्टों का सेंटर होगा। और हम ये मान के चल रहे हैं क्योंकि बोल्ट का साइज सबका सेम है, चार बोल्ट हैं सबका साइज सेम है। कुछ अजम्पशंस हैं, क्योंकि बिना अजम्पशन के अगर आप डिज़ाइन करोगे थोड़ा बहुत तो लेना ही पड़ता है। जैसे कि चारों बोल्ट हैं उनका साइज सेम है, तभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पर आएगा। ठीक है, सेंटर पर आएगा, अब सेंटर से सबके चारों की जो डिस्टेंस है वो सबकी सेम है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरा यहाँ आ गया। अब साइड से देखने पर आपको यहाँ पर लग रहा है, वरना आप चार बोल्ट हैं तो अगर फ्रंट से देखोगे तो सेंटर पे होगा। ठीक है, तो मैं साइड से देखने पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है, यहाँ पर भी इन दोनों के सेंटर में है, है नहीं? तो ये बात हो गई। तो मैंने क्या माना कि बोल्ट का आल बोल्ट्स आर सेम साइज। ठीक है, पहला ये। दूसरा मैंने ये माना कि किसी भी टाइप का इनिशियल लोड नहीं है, इनिशियल टाइटनिंग लोड, इनिशियल टेंशन जिसे कहते हैं। इनिशियल टेंशन मतलब कि या समझ रहे हो कि बोल्ट नट और बोल्ट है, फिट कर दो नट को घुमा दो। ठीक है, तो इनिशियल जब लोड पी नहीं लगा है तब की बात कर रहे हैं। जब लोड हमारा जो लोड यहाँ पर लगा है ना, पी इसेंट्रिक लोड, वो जब नहीं लगा है, जब केवल स्ट्रक्चर और वॉल का हम जॉइंट ही कर रहे हैं इनिशियल ऑपरेशन में, तो इनिशियल में जब हम जॉइंट कर रहे होते हैं तब उस समय जो होता है ना कि टेंशन आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, होता ही है जब जॉइंट करते हैं, बोल्ट को घुमाते हैं और जब वो टाइट करता है तब कुछ ना कुछ लोड आता ही है। तो हम मान के चल रहे हैं कि वो नहीं है इनिशियल टेंशन स्ट्रेस हमारा नहीं आ रहा है। ठीक है, पहली बात ये, वरना अगर वो आता तो उसको भी हमें लेना पड़ता। तो हम ये यहाँ डिजाइन करते समय ये दो चीज़ें मान, ये वाला आल बोल्ट साइड्स आर सेम, इनिशियल टेंशन आर नॉट देयर। ठीक है, और तीसरा कि जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन है थ्रेड की वजह से जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन आता है वो भी हम नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेस कंसंट्रेशन आएगा। ठीक है, तो जो ये बोल्ट का जो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ है वो नहीं रहेगा, यूनिफॉर्म स्ट्रेस नहीं रहेगा, समझ गए? तो हम मान के चल रहे हैं कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन नहीं आ रहा है। तीन चीज़ें हो गई, और ये भी मान के चल रहे हैं कि जो बोल्ट का जो हम, क्योंकि बोल्ट करने कसने के लिए, नट बोल्ट लगाने के लिए जब दो पार्ट स्ट्रक्चर को जॉइंट करते हैं तो होल करना पड़ता है, तो जब होल कर रहे हैं तो हमारा होल बहुत ही अच्छा सरफेस फिनिश हो, अच्छी खासी, मतलब उस टाइप उसमें किसी टाइप का बर ना हो, रफ ना हो, समझ गए?
ग्राइंडिंग बढ़िया से हो, ये भी सब चीज़ें हम मान के चल रहे हैं, एजम्पशन हमारा ये सब चीज़ें होगा, ठीक है। और ये भी मान के चल रहे हैं कि जो ये हमारा वॉल तो हमारा रिजिड है ही, और जो ये वाला स्ट्रक्चर ये भी रिजिड है, ठीक है, किसी टाइप का डिफॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, डिफॉर्मेशन नहीं होगा। तो 4-5 एजम्पशन हमने ये मान के चल ली, ये आप नोट ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो पहली बात है कि ये इसेंट्रिक, मतलब कि ये स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये इस पर इसेंट्रिक लोड लगा हुआ है। इसेंट्रिक लोड मतलब कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कुछ डिस्टेंस पर इस पर लोड लग रहा है, इसेंट्रिक का मतलब यही है। तो कितनी हमने माना ई इसेंट्रिसिटी इसकी ई है, मतलब कि ई डिस्टेंस पे एक लोड लगा है हमारा पी, ठीक है। तो ये बात हो गई, समझे। तो ये तो इसमें अब आप ये देख के मान के चल लो कि जो लोड इसेंट्रिक लोड लगा है वो जो चार बोल्ट हैं इन पे कौन कौन सा फोर्स लगाएगा, जो इसेंट्रिक लोड लगा है इन पे कौन, इन चारों की जो हमें, क्योंकि हम अब सेंटर ऑफ, क्योंकि हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल गया, तो इस सेंटर ऑफ, इनकी चारों की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे है इस पे कौन कौन सा ये लोड लगाएगा जो इसेंट्रिक लोड लगा हुआ है, और उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो लोड लगेगा उसी की वजह से इन चारों पे इफेक्ट आएगा। तो जो कौन कौन सा इस इसेंट्रिक लोड पी की वजह से आपका कौन कौन सा इस पे लोड लग रहा है, पहली बात कौन सा लग रहा है आपको, क्या देख के लग रहा है। एक तो आपका शियर लोड लगेगा, क्योंकि कोई भी लोड अगर आप किसी भी एक्सेस के अगर उस जैसे बोल्ट है, इसकी बोल्ट की एक्सेस ऐसे हैं, ठीक है, तो इसकी एक्सेस के परपेंडिकुलर आप अगर लोड लगाओगे तो शियर फोर्स आएगा ही आएगा। तो मान लो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक शियर फोर्स वाला लोड आएगा, जो लोड होगा P1। इसकी वजह से ये लोड P1 यही है P, समझे। तो P1 लोड आएगा इसकी वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, मतलब जो P लोड है ना वो P1 है। मैंने ये मान लिया कि P1, देखो यहाँ पर ना P = P1 है, P = P1 मतलब शियर लोड आएगा, तो शियर लोड मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर रख दिया। अब यही लोड इन चारों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, पहली बात है नहीं। तो एक लोड ये आ गया, और दूसरा कौन सा लोड आएगा, एक आएगा मोमेंटम आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि पी लोड है और इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ से अटैच है, वॉल से अटैच है, तो वॉल से अटैच है मतलब फिक्स है पूरा, तो अटैच है तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट वो रोटेट करने का ट्राई करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है मोमेंटम ऐसे तो लगता है, लोड और डिस्टेंस अगर एक आएगा तो वो जो मोमेंटम है उसको देने के लिए एक फोर्स ये आएगा P2। मोमेंटम का लगता है दो कपल लगते हैं, एक फोर्स यहाँ से एक यहाँ से, तभी तो मोमेंटम आएगा, है नहीं। तो पी जो है इसको P2 और पी से एक टॉर्क जनरेट होगा, मोमेंटम जनरेट होगा, ठीक है। तो दो ही आएंगे, समझ रहे, मोमेंटम और आप मोमेंट और एक आपका शियर फोर्स। और जो ये P = है ना, P1 = P2 है, ये तीनों बराबर हैं। मैंने बस यहाँ से इसको यहाँ ट्रांसफर किया, क्योंकि P लोड जितना है उतना P2 है, तभी तो टॉर्क देगा उतना ही, और P1 जो है = P है, क्योंकि तभी तो शियर लोड देगा, ठीक है। तो ये बात हो गई, समझ गए ना, लोड ट्रांसफर हो गया। अब क्योंकि चार बोल्ट है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 1 और 4 यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ से साइड से आपको ऐसा दिख रहा है, पर एक यहाँ, एक इसके पीछे, और 2 और 3 बोल्ट्स यहाँ पर, और ये यहाँ पर फिक्स, यहाँ से पूरा फिक्स है, ठीक है। अब पहली बात क्या, पहला तो हमने क्या करा कि लोड ट्रांसफर करा, तो जो इक्वल होगा P = P1 = P2 होगा, नहीं होगा। और दूसरी क्या बात है हमारी, कि अब हम देखेंगे कि जो ये P1 है ना,
जो ये P1 लगा है यहाँ से ऐसे CG पर, ठीक है। अब देखो बोल्ट का साइज सेम है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सबकी चारों की डिस्टेंस भी सेम है, तो जो ये सीयर लोड सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर लगा है ये चारों बोल्टों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो चारों बोल्टों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और चारों बोल्टों में इक्वल सीयर फोर्स लगाएगा, समझ। तो कैसे, तो मैंने मान लिया कि सीयर लोड बोल्ट पे, ये सीयर लोड हो गया बोल्ट पे कितना होगा, P/4, मतलब P1/4 होगा, नहीं होगा P1/4। तो P1 क्या है, P के बराबर है, तो P/4 मतलब कि PS जो बोल्ट है, अगर मैं एक बोल्ट की बात करूं तो चारों बोल्टों पे P/4 सीयर लोड लगेगा, ठीक है। अब इस सीयर लोड की वजह से सीयर स्ट्रेस आएगा बोल्ट पे, तो हर बोल्ट पे सेम सीयर स्ट्रेस आएगा, तो वो क्या होगा, P/4 DC² ठीक है, PS/4 DC² समझ गए। तो ये आएगा, मान लिया ये X/DC² मतलब कि PS ये भी कांस्टेंट है क्योंकि P कांस्टेंट है, P तो लोड कांस्टेंट है ना, और π/4 कांस्टेंट, मैंने एक टर्म का ये ले लिया मेगा पास का। तो सीयर स्ट्रेस हर चारों के चारों बोल्ट पे सेम सीयर स्ट्रेस लगेगा, और DC, अब देखो π/4 DC² में DC² कह लिया। अब आपको पता है कि जब भी हम बोल्ट का डिजाइन करते हैं ना, जब भी बोल्ट का डिजाइन करते हैं तो जो बोल्ट का कोर डायामीटर है, बोल्ट का कोर डायामीटर जो थ्रेडेड वाला डायामीटर है, तो कोर डायामीटर जिसे हम कहते हैं, उसको डिजाइनिंग में कंसीडर करते हैं, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेस एरिया, उस एरिया को हम डिजाइन में कंसीडर करते हैं, क्योंकि मैंने बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ जब पढ़ाया था उसमें ये चीज़ बताई थी, ठीक है। क्योंकि जो कोर डायामीटर है वही डायामीटर पूरे एरिया में वही डायामीटर रहता है, और वो एरिया हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो कोर डायामीटर को लेके हम डिजाइन लेते हैं, पर जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं, जब हमें बताना होता है कि ये वाला बोल्ट है कि M सीरीज का इतने डायामीटर का बोल्ट है, तब हम वहाँ पर नॉमिनल डायामीटर लेते हैं, मतलब मेजर डायामीटर लेते हैं। तो डिजाइनिंग करते समय कोर डायमीटर लिया जाता है, माइनर डायमीटर लिया जाता है, और जब नोमेनक्लेचर करते हैं, जब हमको बोल्ट का स्पेसिफिकेशन में लिखते हैं कि इतने मीट्रिक थ्रेड, इतने मीट्रिक का, इतने ट्रेपिजॉइडल का, इतने mm का डायमीटर हमको बोल्ट चाहिए ना, जब हम मार्केट में जाते हैं कहेंगे कि इतने डायमीटर का बोल्ट चाहिए, तो वो उसका नॉमिनल डायमीटर होता है, उसका मेजर डायमीटर होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई XY DC² मेगा पास्कल। अब तीसरी क्या बात है, तीसरी बात यह है कि अब हमने सीयर लोड तो लगा दिया ना, अब सीयर लोड लगा दिया, अब हमको भाई ये जो मोमेंट वाला है ये भी लगाना है, है नहीं लगाना है। तो भाई जब आप इस पे मानो कि यहाँ से लोड लग रहा है इसेंट्रिक लोड, और ये ऐसा हो रहा है कि यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ से टिल्ट हो गया, थोड़ा सा टिल्ट हो गया, वो बना लेते हैं, ठीक है। रुको एक मिनट, मान लो मैंने ये करा, ये मेरा ब्रैकेट था, ठीक है, ये था ना, ना ये थोड़ा सा हम, क्योंकि मुझे टिल्ट बनाना है ना, ये मेरा वॉल थी, ठीक है,
ये मेरी वॉल थी और यहाँ से ये, मान लो ऐसे करके ऐसे ये, ठीक है। तो क्योंकि जब हमने लोड लगाया यहाँ पर, ऐसा करके लोड लगा रहे हैं, तो मान लो ये मेरा क्योंकि जब हम ऐसे करके लोड लगा रहे हैं तो ये मान लो कि मेरा टिल्ट हो, क्योंकि यहाँ इस पोजीशन से टिल्ट हो गया। अब रोटेट तो होगा ही, तो किसके अबाउट होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट होगा, यहाँ से होगा जो सी जी मैंने यहाँ दिया था, इसके अबाउट ऐसे करके रोटेट कर गया। तो यहाँ तो ये जो यहाँ पर बोल्ट था, यहाँ पर बोल्ट है एक, यहाँ बोल्ट है, ठीक है, दो बोल्ट यहाँ है इस एक्सेस पर, दो बोल्ट इस एक्सेस पर है, तो क्या होगा, बोल्ट में थोड़ा टेंशन आएगा क्योंकि जो रोटेट करा है वो इसके अलोंग हुआ है, ऐसे करके इस डायरेक्शन में ऐसे करके खींचोगे ना तो बोल्ट को, बोल्ट खींचेगा ना, बोल्ट खींचने की कोशिश कर, वैसे होगा तो नहीं पर टिल्ट नहीं होगा, मतलब एक्चुअली में ऐसा होने का ट्राई तो करेगा कि बोल्ट, और उसको रोकेगा फिर, समझ रहे, तो जो बोल्ट है वो उसको रोकेगा, तो टेंशन, एक टाइप का टेंशन, खिंचाव, इलोंगेशन आएगा। तो मान लो इतना ये आया इलोंगेशन, इतना इलोंगेट हो गया ये मान लो इतना इलोंगेट हो गया, मान लिया डेल्टा टू इलोंगेट हो गया, और ये नीचे, और नीचे वाला डेल्टा वन हो गया, ये वाला बोल्ट मान लिया डेल्टा वन हो गया, इतना खिंचाव आ गया, इतना इलोंगेशन हो गया, इतना डिफॉर्मेशन हो गया, और इसमें डेल्टा टू हो गया, ठीक है, और ये वाला कितनी डिस्टेंस पर है, L1 डिस्टेंस पर है यहाँ से, और ये वाला कितना डिस्टेंस पर है, मान लो L2 डिस्टेंस पर है, ठीक है, डेल्टा वन डेल्टा टू खिंचाव आ गया। अब वो किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, इसके अबाउट कर रहा है ना, यहाँ से इसके अबाउट रोटेट, इसके अबाउट तो करने की कोशिश करेगा, है नहीं, तो ये हो गया। अब यहां पर आप देख रहे होगे ये अब यहां ये खिंचाव है, ठीक है, ये डिस्टेंस है, डेल्टा टू डिस्टेंस, डेल्टा वन डिस्टेंस, तो एंगल तो सेम है। अगर मैं मानूं कि ये वाला जो एंगल है, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूं और ये वाला ले लूं नीचे वाला, ठीक है, डेल्टा वन वाला ले लूं और ये वाला ट्रायंगल ले लूं, तो एंगल सेम है। अब आपको पता है एंगल सेम है तो क्या होता है, एंगल एक फॉर्मूला होता है ना, है नहीं, एंगल सेम है, तो आर्क और रेडियस, अगर मैं इसकी बात करूं डेल्टा टू, इसकी इसमें कितनी आर्क है, एक, अब आर्क टाइप का बन रहा है, अब आर्क टाइप का मतलब आर्क थोड़ा सा बहुत मिनिमम है, तो डिस्टेंस आर इस टाइप का है ना, तुम डेल्टा टू ले सकते हैं, रेडियस कितनी L2, ठीक है। अब एंगल तो भाई दोनों का सेम है, इसका भी एंगल उतना है, इसका भी, तो इसका भी ये कितने बराबर होगा, डेल्टा वन डिवाइड बाई L1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेल्टा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, लेंथ है, मतलब कि जो डिफॉर्मेशन है, जो इलोंगेशन है, वो एल के प्रोपोर्शनल है, कि जितना ज़्यादा एल होगा उतना ज़्यादा खिंचाव होगा। देखो डेल्टा टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, यहाँ से यही निकल के आया ना, है नहीं। अब क्या है कि अब आपको पता है फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस, अगर मैं फोर्स की बात करूं, फोर्स पी की बात करूं, स्ट्रेस इनटू एरिया होता है स्ट्रेस, अब स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन इनटू ई क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और अगर मैं स्ट्रेन की बात करूं तो ये क्या होता है, डिफॉर्मेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ मान लो एल है बोल्ट की और डिफॉर्मेशन डेल्टा तो हो ही रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि जो स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन, सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो
फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, तो यहाँ से आप क्या देखोगे कि जो फोर्स पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, डेल्टा के। अब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा के हो गया और डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल है, तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया, एल के। मतलब कि जो फोर्स यहाँ इसके अलोंग लग रहा है, अब यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा, टेंसाइल फोर्स, क्योंकि इलोंगेट हो रहा है तो टेंसाइल टेंशन लगेगा, तो टेंसाइल फोर्स। जो दो बोल्ट हैं कौन कौन से, पी टी टू एंड पी टी थ्री, और यहाँ पर कौन सा है, पी टी वन एंड पी टी फोर, तो इस पे क्या टेंसाइल फोर्स लग रहा है। तो जो ये टेंसाइल फोर्स है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एल के। मतलब कि अगर मैं बात करूँ पी टी टू एंड पी टी फोर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल टू, और पी टी वन एंड पी टी नहीं पी टी पी टू टू एंड पी टी थ्री और पी टी वन एंड पी टी फोर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल वन, ठीक है, समझे। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ पी टी टू, अगर मैं केवल पी टी टू लूँ तो ये क्या होगा, सी एल टू, और अगर मैं पी टी वन लूँ तो ये क्या होगा, सी एल वन। कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनलिटी हटा दिया मैंने, कॉन्स्टेंट सी ले लिया, ठीक है। तो पी टी टू सी एल टू, पी टी वन सी एल वन, ठीक है। अब हम बैलेंस करेंगे, क्या बैलेंस करेंगे कि जो यहाँ से ये इस पर टॉर्क लग रहा है कितना लग रहा है, पी इंटू ई, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पर लग रहा है नहीं लग रहा, ये कितना लग रहा है, पी ई, पी ई लग रहा है ना, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो पी ई इज इक्वल्स टू, अब भाई ये यहाँ पर तो लग रहा है, पर ये जो बोल्ट है इसी काम के लिए तो लगाए हैं, ताकि ये रोटेट ना करे, टिल्ट ना हो, इसी काम के लिए तो लगाए हैं। तो इसके अपोजिट में बोल्ट लगाएंगे, तो इसके अपोजिट में क्या लगाएंगे, तो जो इक्वल होंगे, जब ये इक्वल होगा तभी तो जॉइंट बना रहेगा। तो क्या होगा, पी टी टू, अब देखो यहाँ पर दो बोल्ट है, दोनों में सेम टेंसाइल फोर्स लग रहा है, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के हैं, ठीक है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के हैं, तो सेम टेंसाइल फोर्स। तो टू टाइम्स ले लिया, तो टू टाइम्स पी टी टू, टू टाइम्स पी टी टू इंटू एल टू। अब भाई ये किसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं, ये जो पी टी टू है किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, इस हिंज यहाँ से इसके अबाउट रोटेट कर रहा है ना, ये इसके अबाउट, ऐसे ही पी टी वन और पी टी फोर इसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, प्लस टू पी टी वन और एल वन। अब क्योंकि जो ये है ये इसके अबाउट यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इनको जो रोकेगा वो यहाँ इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ अब देखो यहाँ पर क्या है, अब इनकी वैल्यू रखो पी टी टू और पी टी वन की, तो पी ई पी टी टू कितना है, सी एल टू, तो मतलब सी एल टू का स्क्वायर प्लस टू सी एल वन का स्क्वायर। तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या निकल के आई, सी की वैल्यू ये निकल के आई पी ई डिवाइडेड बाई टू एल वन स्क्वायर प्लस एल टू स्क्वायर, ये निकल के आई, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं पी टू पी टी टू की वैल्यू कितनी निकल के आई, अगर मैं सी की वैल्यू यहाँ पर रख दूँ इसमें सी में, तो कितनी निकल के आई, पी ई एल टू डिवाइड बाई टू एल वन स्क्वायर प्लस एल टू स्क्वायर, और पी टी वन की क्या निकल के आई, पी ई एल वन डिवाइड बाई टू एल वन स्क्वायर प्लस एल टू स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कौन सा ग्रेटर दिख रहा है, देखो पी ई टू एल वन प्लस एल टू एल वन स्क्वायर प्लस एल टू स्क्वायर, ये तो कॉन्स्टेंट हो गया, ये तो दोनों में है, तो जिसकी ज़्यादा लेंथ L2 greater than L1 है, तो यहाँ से आपको क्या L2 greater than L1, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जिसका भी यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा होगा, जैसे L2 greater than L1 है, तो वही उसका टेंसाइल फोर्स ज़्यादा होगा, मतलब PT2 greater than P1। तो यहाँ से आपको क्या कंक्लूजन निकला कि जिसका भी L2 greater than L1 होगा, अगर L2 greater than L1 है तो PT2 greater than P1 है, मतलब PT2 और PT3 में जो फोर्स है, मतलब कि PT2 एंड PT3
का जो टेंसाइल फोर्स है वो ग्रेटर देन है पी टी वन एंड पी टी फोर से, ठीक है। अब पी टी टू और पी टी थ्री तो दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। पी टी वन और पी टी फोर भी दोनों इक्वल हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकला, तो भाई कौन सा मैक्सिमम हो गया, ये मैक्सिमम हो गया, क्या हो गया, ये मैक्सिमम हो गया, पी टी मैक्स इसको हम कहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, पी टी मैक्स का क्या है, पी टी टू और पी टी थ्री, ठीक है। अब यहां से आपको, क्योंकि भाई हमें दो फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन से, एक तो सियर लोड लग रहा है, एक टेंसाइल लोड लग रहा है। अब हमने सियर लोड तो यहां से निकाल दिया, सियर फोर्स और सियर स्ट्रेस यहां से निकाल दिया। अब हमको चाहिए टेंसाइल स्ट्रेस, तो टेंसाइल स्ट्रेस भी सबसे पहले, टेंसाइल स्ट्रेस कहाँ निकालेंगे भाई। अब देखो सियर स्ट्रेस तो ऐसा था कि चारों बोल्टों में सेम था, तो हमने एक बोल्ट का ले लिया उसके अनुसार लगा। अब हमें पहले तो ये देखना, अब हम टेंसाइल लोड निकालना है, टेंसाइल स्ट्रेस निकालना है, तो सबसे पहले ये देखना पड़ता कि इन चारों बोल्टों में सबसे ज़्यादा किस पर लग रहा है टेंसाइल फोर्स। अब हमें पता चल गया कि सबसे ज़्यादा टेंसाइल फोर्स लग रहा है पी टी टू और पी टी थ्री में, समझ गए, सबसे ज़्यादा टेंसाइल फोर्स लग रहा है पी टी टू और पी टी थ्री में। है नहीं, सबसे ज़्यादा टेंसाइल फोर्स लग रहा है पी टी टू और पी टी थ्री में, तो भाई हमको पी टी टू और पी टी थ्री निकालना पड़ेगा। पी टी टू और पी टी थ्री एक ही निकाल लो, पी टी टू निकाल लो, तो वो निकालना पड़ेगा। वो निकालने के लिए हमने यही अभी तो तामझाम करा, है नहीं। अब वो निकालेंगे कैसे, अब ऐसे निकालेंगे। अब देखो पी हमें क्या पता है, पी पता है, पी पता होगा लोड, ई पता है, पता है, ठीक है। अब हमें पी टी टू और पी टी थ्री निकालना है नहीं। मैंने ये था, ये देखो ये वाली कर रखी है, तो टू पी टी टू, ठीक है, टू पी टी टू एल टू प्लस टू पी टी वन एल वन। अब क्योंकि मुझे पी टी टू निकालना है, पी टी वन को मुझे हटाना है, तो पी टी वन को मैं कैसे हटाऊंगा, पी टी वन को मैं पी टी टू के फॉर्म में लिखूंगा, समझ गए, पी टी टू को पी टी वन की पी टी टू की फॉर्म में लिखूंगा। तो वो कैसे लिखूंगा, पी टी वन इज इक्वल टू पी टी टू, पी टी वन इज इक्वल टू पी टी टू एल वन डिवाइड बाई एल टू, ये होगा, ठीक है। तो पी टी वन को उठा के यहाँ रख दो, तो यहाँ से हमारा पी टी टू निकल आएगा, क्योंकि हमको क्या पता है, एल वन एल टू भी पता ही है, और हमको पी टी टू हमको निकालना है, पी और ई हमको पता है, ठीक है। तो यहाँ से हम पी टी टू निकाल लेंगे। और जब आप पी टी टू निकाल लोगे, मतलब कि मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स हम निकाल लेंगे पी टी टू, ठीक है, तो हम सिग्मा टी मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगा, फोर पी टी मैक्स डिवाइड बाई डी सी पाई डी सी स्क्वायर, ठीक है। डी सी स्क्वायर तो आपको पता है, लेते ही हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सिग्मा टी मैक्सिमम आ जाएगा। तो मतलब कि यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे कांस्टेंट के फॉर्म में लिखूँ, ये आ जाएगा, ठीक है, चमक रहा है ना, आ जाएगा। अब ये आ जाएगा, तो आपको क्या क्या पता चल गए, सिग्मा टी मैक्स पता चल गया, टॉ मैक्स पता चल गया, ठीक है, टॉ एस बोल्ट। तो कंबाइंड स्ट्रेस लग रहे हैं, कंबाइंड स्ट्रेस मतलब कि एक तो टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है और सियर स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है, कंबाइंड स्ट्रेस लग रहे हैं। तो जब भी कंबाइंड लोडिंग की बात आती है, जब भी आप कंबाइंड स्ट्रेस के अकॉर्डिंग डिजाइन करोगे, और बोल्ट आपका डक्टाइल मटेरियल है, ठीक है, तो जब भी आप बात करोगे कंबाइंड स्ट्रेस
और डक्टाइल मटेरियल कंबाइंड लोडिंग की बात करोगे तो वहाँ पर आपको कौन सी थ्योरी ऑफ फेलियर यूज करनी पड़ती है आपको पता होगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी यूज कर लो या बंद हो गया था, हाँ कौन कौन सी थ्योरी यूज करनी पड़ेगी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी और मैक्स, या तो आप मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी यूज कर लो के हिसाब से डिजाइन कर लो या मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी के हिसाब से डिजाइन कर लो। कंबाइंड स्ट्रेस लगेगा जब भी, और जब भी आपकी डक्टाइल लोडिंग होगी, ठीक है, मतलब डक्टाइल मटेरियल है, और कंबाइंड स्ट्रेस मतलब शियर स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। तो अब कंबाइंड स्ट्रेस की मैं अगर बात करूँ, अच्छा अब आपको ये भी लग रहा होगा कि यार ये सब ये वाला आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, PT1 इज क्वेश्चन PT2 L1 वाई L2 कैसे आया, अगर नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ से ये PT2 यहाँ से निकाला था मैंने ये, और PT1 ये निकाला था, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे PE डिवाइड बाई 2L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर, ये तो ये इसमें भी है इसमें भी है, तो ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी जगह PE डिवाइड बाई इसकी जगह इसका रख सकता हूँ, PT1 डिवाइड बाई L1 रख सकता हूँ, क्या रख सकता हूँ, PT2 इज इक्वल टू PT1 डिवाइड बाई L1 रख सकता हूँ, और ये L2 तो है ही, PE2L1 स्क्वायर प्लस L2 की स्क्वायर की जगह मैंने यहाँ से मैंने PT1 और L1 यहाँ ले गया, ये रख दिया और L2 इसका है, तो यहाँ से आया ये, तो ये PT1 को हमें चाहिए, हमें PT1 चाहिए, तो PT2 L1 डिवाइड बाई L2 हो गया, ठीक है। तो कंबाइंड स्ट्रेस कौन सा, कौन कौन से, या तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी या मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, ठीक है। तो अगर मैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी को लेके चलूँ तो आपको पता है कि उसमें टॉप परमिसिबल क्या से निकालते हैं, क्या होता है, SYS डिवाइड बाय N, टॉप परमिसिबल, परमिसिबल स्ट्रेस, SYS यील्ड स्ट्रेंथ डिवाइड बाय N, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यील्ड स्ट्रेंथ, शियर यील्ड स्ट्रेस, शियर यील्ड स्ट्रेस, ठीक है, और डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और SYS, अब SYS को आप क्या लिखते हो, SYTY डिवाइडेड बाय 2, SYT डिवाइड बाय 2 लिखते हो, नहीं लिखते हो, SYS को क्या लिखते हो, SYT, ये SYT क्या है, टेंसाइल यील्ड स्ट्रेस, ये तो शियर यील्ड स्ट्रेस था, ये टेंसाइल यील्ड स्ट्रेस, तो और SYT का क्या फॉर्मूला होता है आपको पता ही है, तो 1/2 डिवाइड बाय N क्या होता है, सिग्मा टी मैक्सिमम स्क्वायर प्लस 4 टॉ मैक्स स्क्वायर, सिग्मा टी मैक्सिमम स्क्वायर प्लस 4 टॉ एस स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, टॉ परमिसिबल, और सिग्मा परमिसिबल निकालने के लिए वो तो निकाला ही है हमने, SYT डिवाइड बाई N क्या होगा, सिग्मा टी स्क्वायर प्लस 4 टॉ मैक्स स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया होगा ना, है नहीं? तो अब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, अब यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, देखो सिग्मा टी मैक्सिमम की जगह आप ये रख देना YYD स्क्वायर, मतलब कि ये वाला टर्म 4 पी, क्योंकि यहाँ से आपको 4 पता है, PT मैक्स आपको पता है, पाई आपको पता है, DC आपको यहाँ से जो निकलेगा वो DC निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या पता है, PS ऑफ बोल्ट आपको पता है, π/4 आपको पता है, DC, तो DC के फॉर्म में सारे टर्म आ जाएंगे, और जब आप DC के फॉर्म में इस साइड के सारे टर्म आ जाएंगे तो आपको सिग्मा परमिसिबल तो आपको पता होगा, क्योंकि टेंसाइल यील्ड स्ट्रेस आपको तो दिया ही होगा, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर उसको उसने दिया हुआ क्वेश्चन में तो आप रख सकते हो, और सिग्मा परमिसिबल यहाँ से निकल जाए, इक्वेट कर देना, तो यहाँ से आपको DC फाइंड आउट हो जाएगा, DC जो डिजाइनिंग कोर डायमीटर है, यही हमें बताता है कि हमारा बोल्ट चलेगा नहीं चलेगा,
तो डीसी आपको पता चल जाएगा। तो जब आप डीसी पता चल जाएगा तो आप फिर वहाँ से नॉमिनल डायमीटर निकाल लेना। नॉमिनल डायमीटर क्या होता है, डी एन इज इक्वल्स टू डी सी डिवाइड बाई 0.84, ये होता है, ये सब आपको पता होगा। डी एन इज इक्वल्स टू डी सी डिवाइड बाई 0.84, ये निकल के आता है। नॉमिनल डायमीटर ऐसे निकालते हैं, ठीक है, ओके। ये तो एक केस हो गया, ठीक है, एक टाइप हो गया बोल्ट, एक टाइप हो गया कि इसका अगर इस टाइप का अगर स्ट्रक्चर है, इस टाइप का अगर स्टैटिक लोड लग रहा है, इसेंट्रिक लोड लग रहा है, और परपेंडिकुलर मतलब इसेंट्रिक परपेंडिक इसेंट्रिक लोड लग रहा है अलोंग परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द बोल्ट, अगर इसेंट्रिक लोड लग रहा है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द बोल्ट, तो ये एक टाइप हो गया। अब हमेशा तो इस टाइप का लगेगा नहीं, कि दूसरे और भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो दूसरे टाइप का भी अभी मैं बताता हूँ। सेम कॉन्सेप्ट, सब चीज़ें यही हैं, ठीक है। आपको एक टाइप समझ में आ गया तो दूसरा भी आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, फिर करते हैं, ठीक है।